इनपुट्स मौजूद हैं जिन के लिए अगर हम रिलेटेड कॉस्ट को देखें तो वो पर आर जिस तरह हम लेबर को ले रहे होते हैं तो वो पर आर की बेस पे इंक्रीज़ नहीं करती मींस देर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि जो लेबर हमने हायर किया है हमने उसके साथ कोई एग्रीमेंट किया है वो छः घंटे आठ घंटे दस घंटे सो एक्चुअली जो उनकी वर्किंग है हम उसको आर्ट्स की शक्ल में अगर लें तो वो इंक्रीज भी हो सकती है या डिक्रीज भी हो है लेकिन जो उससे रेलेटिव ऑस्पेक्ट ऑफ वर्किंग में कंट्रीब्यूशन ऑफ कॉस्ट है वो चेंज नहीं हो रही लेकिन वही लेबर अगर किसी और सेटअप में हम लें तो उसके साथ अटैच कुछ कॉस्ट हैं जिनको हम कहते हैं कि दे आर कॉजाई फिक्स्ड अब यहाँ पे अगर हम देखें तो एक प्लांट को एग्जांपल अगर हम लें कि एक प्रोडक्शन प्लांट है उस प्रोडक्शन प्लांट के लिए सौ मज़दूरों की ज़रूरत है तो द प्रोड्यूसर हैज़ हायर्ड वन फिफ्टी लेबर और उसको वो यूटिलाइज कर रहा है लेकिन वो देखता है कि उसकी प्रोडक्शन की कैपेसिटी जो है वो ज़्यादा है और वो उसको आठ घंटे की बजाय चौदह घंटे चला सकता है या उसको कोई एक्सपोर्ट एक के लिए बड़ा ऑर्डर मिल जाता है तो उसके लिए उसको एक सेकेंड शिफ्ट चलाना पड़ती है नाउ देर आर द टू टाइप ऑफ द ऑस्पेक्ट क्या वो उसी तरीके से फ़र्दर हंड्रेड लेबर की जो पूरी टीम है उसको हायर करे या वो उसके साथ जो मौजूद हैं उनमें से ही कुछ लोगों को वहाँ यूटिलाइज करे तो यहाँ पे जो एक्स ऑस्पेक्ट हमें देखना होता है कि कुछ जो एग्रीमेंट्स के तहत क्योंकि प्रीवियसली वन देअ दिक्सटी नाइन्टी सिक्सटी में जो ट्रेड यूनियंस के ऑस्पेक्ट आए तो कुछ रूल्स और द लेबर ऑस्पेक्ट्स हमारे पास डिवेलप हो गए या लाइक सोशल सिक्योरिटी पेमेंट्स हो गई जो उन फॉर्म्स ने कहीं ना कहीं किसी फॉर्म में पे करना होती है तो उसी तरीके से कुछ और ऑस्पेक्ट्स हैं मेन आपने जो लेबर ऑलरेडी आपके पास काम कर रही है हो सकता है कि आपने उसके लिए उसको ट्रेनिंग दी हुई हो या विद द पैसेज ऑफ टाइम विद देयर एक्सपर्टीज और द डिवीजन ऑफ लेबर दे हैव डिवेलप्ड सर्टन स्पेशलिटी तो अब जो आप रा टाइप की लेबर अब ले रहे होगा या प्रोड्यूसर ले रहा होगा तो माइट वी ही इज़ हैविंग अ फियर कि वो उस तरीके से उसको आउटपुट नहीं दे पाएगा र द सर्टन एस्पेक्ट जिसको देखते हुए वो मुख्तफ़ असेसमेंट्स करता है और उसी असेसमेंट्स के बैक एंड पे अगर हम देखें तो हमारे पास कोज़ाई फिक्सड कॉस्ट हैं और ये कॉस्ट जो है वो उस लेबर या उस रिसोर्स को अगर हमने जब परमानेंटली एम्प्लाई करना हो या इन द नंबर एम्प्लाई करना हो तो तब हमारे सामने आती है मीन वेन वी हैव टू हायर और एनी प्रोडक्शन सेटअप या किसी मैं अगर कहूँ कि हो सकता है किसी कॉलेज या एक इदारे ने ही जहाँ पर जिस तरह सर्विसज किसी लोगों की लेनी हो तो जैसे उसको इनिशियली हायर करते हुए नए लोगों की ट्रेनिंग करनी पड़ जाती है मीन आप इर्द देखते हैं फौज में है पुलिस में है तो वेन एवर देयर इज़ द न्यू एंट्री उसको फॉर सर्टन पीरियड उसकी रिक्वायरमेंट ऑफ़ ट्रेनिंग है तो देर इज़ अ कॉस्ट उसके अलावा उनकी एक सोशल सिक्योरिटी का सिस्टम हो सकता है कहीं पे उनका पेंशन का सिस्टम होगा कहीं पे उनके सर्टन अदर बेनिफिट्स का होगा हेल्थ इंश्योरेंस का सिस्टम हो सकता है रिस्क इंश्योरेंस का होगा एंड लाइक वाइज देर आर द मैनी अदर सेटअप जिसको अगर हम कहें और उसी तरीके से बहुत से लोग जो जॉब के आपके गिर्द लोग इन्वॉल्व हैं आप देखें तो उनको मालूम होगा कि कुछ टाइम सर्विस करने के बाद उनके रूल्स में लिखा हुआ है कि वो इतनी छुट्टी अवेल कर सकते हैं वो तीन साल की स्टडी लीव पर जा सकते हैं या कितनी वो मेडिकल लीव तो लाइक वाइज दे आर दैट हिडन ऑस्पेक्ट जिसकी उस फर्म को या उस इदारे को या उस प्रोड्यूसर को इन द लॉन्ग रन कॉस्ट की शक्ल में पे करना होता है और ये तमाम पेमेंट्स जो हैं ये पर यूनिट ऑफ लेबर या पर पर्सन की शक्ल में आती हैं लेकिन अगर वही पर्सन जो आर्स की शक्ल में या ज़्यादा दिनों की शक्ल में वो प्रोडक्टिविटी में अगर ज़्यादा रोल प्ले कर रहा है तो उस फॉर्म में नहीं आ रही होती इसीलिए इसका जो बेसिक कॉस्पेक्ट हमारे सामने आता है वो ये है कि एक्चुअली ये कॉज कॉजई फिक्स्ड कॉस्ट जो हैं ये हमें एक चॉइस देती हैं अब ये चॉइस उस फॉर्म के पास क्या होती है कि अब अगर उसको ज़रूरत है तो क्या वो नया स्टाफ हायर करे नए लोग हायर करे या आपने एक टर्म अपने इर्द गिर्द मोस्टली सुनी होगी दैट इज़ कॉल्ड ओवर टाइम इवनिंग शिफ्ट इवनिंग पेमेंट सो दिस आर द टाइप ऑफ द अरेंजमेंट्स जो कॉजाई फिक्स्ड कॉस्ट को सेव करने के लिए वो प्रोड्यूसर या एंटरप्रेन्योर करता है कि वो ऑलरेडी हायर स्टाफ को एक फर्दर इंसेंटिव दे के कुछ घंटों के लिए या कुछ पर्टिकुलर टाइम के लिए उनकी सर्विसेज को ले लेता है और उसके इवज़ वो डेफिनेटली उनको रेमनोरेशन या मुआवजा पे करता है लेकिन ये जो मुआवजा या रेमोनोरेशन जिस फॉर्म में भी होगा वो उनकी सिर्फ पर आर पेमेंट के हवाले से होगा लेकिन दैट विल नॉट ऐड मीन अब उनका जो एग्रीमेंट के तहत कोई इंश्योरेंस की पेमेंट है लीव की पेमेंट है या उसी तरीके से कुछ अदर ऑस्पेक्ट्स हैं मेडिकल का सेटअप है वो वहीं का वहीं फिक्स रह जाता तो इन दैट सेंस प्रोड्यूसर जो है वो लेबर को हायर करते हुए बाकायदा इसके ऊपर असेस करते हैं कि कितना उन्होंने परमानेंट स्टाफ रखना है कितना उन्होंने सीजनल रखना है और कितना जो है किसको एडजस्ट करते हुए सम टाइम्स वो थ्रू ओवर टाइम या इस तरह की स्विचिंग या शिफ्ट के मद में कितना स्टाफ जो प्रीवियस वाला यूटिलाइज़ करके वो अपनी कौजाई फिक्स्ड कॉस्ट को रिड्यूस कर सकते थैंक यू